फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 1 साल से लेकर 2 साल तक के बच्चे का स्वेटर। मैंने कैसे बनाया, किस तरीके से बनाया, आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी। और देखिए, ये स्वेटर है, वो ये साइड से खुला है यहाँ से, और ये काले कलर के बटन लगाए हैं, और ये पुलर बियर लगाया है मैंने इसमें। ये 2 कलर में बनाया है, आप कोई भी कलर ले सकते हो। और देखिए, अगर आप ना आए तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं बताऊंगी मैंने कैसे बनाया है। और फिर भी आपकी समझ में ना आए तो आप सिलाई और ऊन लेके बैठ जाइए और मेरे साथ साथ बनाइए मैंने कैसे बनाया है। तो चलें, चलते हैं, बनाते हैं। कलर की ऊन ली है मैं, 2 कलर में बनाने जा रही हूँ, हरे और पीले कलर का। और यहाँ मैंने 73 फंदे डाले हैं और बॉर्डर बना लिया है, और 10 नंबर की सिलाई ली हुई है। तो देखिए, बॉर्डर अपने हिसाब से बना सकती हो। मैंने 8 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है उल्टा उल्टा। तो देखिए, मैं यहाँ 7 फंदे उल्टे बनाऊंगी, बटन पट्टी वाले। और पहले एक होल बना लूँगी यहाँ जाली बना के। जाली बनाई और 2 फंदे एक साथ लिए तो होल बन गया यहाँ बटन के लिए। तो मैं 7 फंदे लिए और यहाँ जाली बनाऊँगी, और 11 फंदे और बनाऊँगी यहाँ सीधे, 11 फंदे सीधे बनाऊँगी। तो मैंने 11 फंदे बना लिए यहाँ। अब ये हैं 3 फंदे, इन 3 फंदों के साइड में जाली बनाऊंगी, एक इधर एक उधर। देखिए, एक जाली बनाई, एक फंदा लिया, 2 लिए, ये 3 लिए, फिर एक जाली बनाऊंगी यहाँ। जाली बना ली तो 1, 2, 11 फंदे और लूँगी यहाँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 फंदे हो गए। और यहाँ 3 फंदे फिर हो गए, तो 3 फंदों के बीच साइड में जाली बनाऊंगी, 1, 2, 3, एक जाली बनाऊंगी यहाँ। अब यहाँ 17 फंदे लूँगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 फंदे हो गए। अब यहाँ ये 3 फंदे फिर आ गए, तो यहाँ जाली बनाऊंगी, 1, 2, 3। अब एक जाली और बनाऊंगी यहाँ 3 फंदे के बाद, फिर 11 फंदे और बनाऊंगी। जाली बनाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 फंदे हो गए। अब 7 फंदे बटन पट्टी वाले बनाऊंगी, एक जाली बना के 7 फंदे बटन पट्टी वाले बनाऊंगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हो गए। अब उल्टी सिलाई बनाऊंगी यहाँ, अब सीधी सिलाई आ गई, 7 फंदे फिर बनाऊंगी यहाँ बटन पट्टी वाले, 7 फंदे हो गए। अब एक जाली बनाऊंगी यहाँ, अब जाली के ऊपर जाली बनाऊंगी, और बाकी फंदे हम ऐसे ही बनाऊंगी मैं। यहाँ मैंने 18 फंदे रखे हैं, इधर देखो जाली आ गई। तो अब जाली के ऊपर जाली बनानी है, और 3 फंदे हमें बीच में रखने हैं। ये जाली बनाई, 3 फंदे लिए, फिर एक और जाली बनाऊंगी यहाँ, देखिए बना ली। अब बाकी फंदे ऐसे ही लेने हैं।
जाली आ गई, फिर जाली के ऊपर जाली बनानी है, तीन फंदों के साइडों में दोनों साइड ये बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। ऊपर से बनाओ गले पे ऐसे, तो बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ही आसान तरीका है। आप भी बना सकते हो, अपने बच्चों के लिए पहना सकते हो आप भी। अगर आप ना आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं बताऊँगी। फिर जाली के ऊपर जाली बनाऊँगी यहाँ, और ये बटन पट्टी वाले आ गए। पहले जाली बनाऊंगी यहाँ, सात फंदे बटन पट्टी वाले बनाऊंगी। उल्टी सिलाई बनाऊंगी। तो देखिए, अब जाली के ऊपर जाली बनानी है हमें, और बाकी फंदे ऐसे ही लेने हैं, बस कुछ नहीं करना है इसमें। अब जाली बनानी है जाली के ऊपर, और मैं इसी तरीके से बनाते चले जाऊंगी। और मुझे 18 जाली बनानी है यहाँ। आप थोड़ा बड़ा कर सकते हो तो आप 20 जाली बना सकते हो, और बढ़ा भी सकते हो इसमें, तो थोड़े बड़े बच्चे के आ जाएगा ये। बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। अब मुझे ऊपर बनाना है, बस कुछ नहीं करना, जाली के ऊपर जाली बनानी है और कुछ नहीं करना है। तो देखिए, मैंने इतना बना लिया है, मैंने 18 18 जाली बनाई है यहाँ। देखिए, यहाँ 18, यहाँ 18, यहाँ 18 और यहाँ भी 18 18। ये बटन पट्टी की बगल में जो जाली है, 18 18। अब यहाँ मैं सात फंदे बनाऊंगी बटन पट्टी वाले उल्टे। अब यहाँ हरे कलर की ऊन ज्वाइंट करूंगी, और जाली मैंने बंद कर दी, अब जाली नहीं बनानी है। तो मैं यहाँ हरा कलर ज्वाइंट कर लूँगी, और तीन कलर वो सॉरी तीन फंदे हरे कलर से बनाऊँगी, और तीन फंदे पीले कलर से बनाऊँगी। ये फ्रंट साइड है, तो मैं यहाँ तक बना लूँगी इसको, फिर बताऊँगी मुझे क्या करना है। तो देखिए, मैंने इतना बना लिया है ये। अब इन फंदों को मैं एक सुई में भर लूँगी, सुई की मदद से धागे में भर लूँगी। तो देखिए, मैंने फंदे धागे में भर लिए, और मैं यहाँ नॉट लगा दूंगी इसमें। अब क्या करूँगी, ये है हमारी बाजू, इस बाजू को मैं अब बनाऊँगी यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ भी मैं हरा कलर ज्वाइंट करूँगी, पीला और हरा।
तो तीन फंदे यहाँ भी पीले से बनाऊंगी और तीन फंदे हरे से। तो यहाँ हरा कलर ज्वाइंट कर लूंगी। और यहाँ नॉट लगा दूँ ताकि ये धागा निकल ना जाए यहाँ से। तो मैं यहाँ तक ये अच्छे बना लूँगी। तो देखिए मैंने बना लिया, एक सिलाई और बनाऊँगी पीले से और हरे से। ये बाजू है मैंने यहाँ एक छोटी सी डिजाइन डाली है। यहाँ तक मैं बना लूँगी। तो देखिए मैंने बना ली, अब मैं हरे धागे से बनाऊँगी इसको। मुझे हरे धागे से बनाना है ऊपर तक। अब इसे कट कर दूँगी। यहाँ तक बना लूँगी मैं। तो देखिए मैंने इतना बना लिया है, बाजू बन चुकी है। और इसमें अब वो लंबाई अपने हिसाब से बना सकते हो। मैंने छोटे से बच्चे के लिए बनाया है, 2 साल तक के, 1.5 साल तक के बच्चे के लिए। तो मैं पीला कलर यहाँ ज्वाइंट करूँगी, मैं बॉर्डर बनाऊँगी यहाँ। ये फंदे मेरे निकल गए हैं, मैं भर लूँगी इसमें। तो बड़ा बनाऊँगी उल्टा उल्टा। तो देखिए मैंने बॉर्डर बना लिया है, अब मैं इसे उतार दूंगी। तो मैंने उतार दिया। अब इन फंदों को भी मैं बनाऊंगी। यहाँ पीले कलर की ऊन ज्वाइंट करूंगी। और हरे कलर की भी करूंगी। तो यहाँ भी मुझे तीन फंदे हरे कलर के बनाने हैं और तीन फंदे पीले कलर के बनाने हैं। यहाँ तक मैं बना लूंगी। तो देखिए मैंने बना लिया है, अब इन फंदों को भी मैं एक धागे में भर लूँगी सुई की मदद से।
देखिए मैंने धागे में भर लिए फंदे और यहाँ मैं नॉट लगा दूंगी इसमें। अब इनको मैं बनाऊंगी इन फंदों को, तो यहाँ भी मैं ऊन ज्वाइंट कर लूँगी। तीन हरे कलर की बनाऊंगी फंदे और तीन पीले कलर के बनाऊंगी। ये बाजू है दूसरी वाली। इस स्वेटर में तीन पार्ट हैं, दो बाजू, सॉरी चार पार्ट हैं, दो बाजू और एक बैक साइड और फ्रंट साइड। तो ये सात फंदे मैं छोड़ के बाकी सबको बना लूँगी। देखिए यहाँ से देखो सात फंदे छोड़ दिए मैंने और बना लिए सारे फंदे। अब एक सिलाई और बनाऊंगी हरे से और पीले से। तो देखिए मैंने बना ली, अब हरे कलर से बनाऊंगी और पीले कलर को कट कर दूंगी। जैसे पहली बाजू बनाई इसी तरीके से इसे बना लूंगी। इसी तरीके से इसे बना लूँगी पूरी। तो देखिए मैंने बना ली। अब जो सात फंदे हैं उन्हें सेफ्टी पिन में भर लूँगी। तो बन गई दूसरी वाली बाजू। अब दोनों बाजू बन चुकी। अब इन फंदों को सिलाई में भर लूँगी। देखिए मैं भर ली। अब जो बैक साइड के फंदे हैं उन्हें भी भर लूँगी। तो मैंने भर लिया जो मैंने पिन में भरे थे सात फंदे उन्हें भी भर लूँगी इसमें। अब सारे एक सिलाई में भर लिए मैंने। अब मैं इनको एक साथ बनाऊंगी। अब यहाँ हरा कलर ज्वाइंट करूंगी। देखो जी बाजू है यहाँ ज्वाइंट कर दूंगी बाजू को। दो फंदे में यहाँ इसमें एक्स्ट्रा बना लूंगी ताकि लूज रहे यहाँ टाइट ना हो। अब पीला कलर भी जोड़ूंगी। एक सिलाई और बनाऊंगी पीले कलर के हरे कलर के साथ पीले की, फिर बाकी हरे की बनाएंगे सारी। तो यहाँ तक मैं बना लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ बना लिया।
हरे कलर से बनाऊंगी। अब पीले कलर का कोई काम नहीं है इसमें। अब हरे कलर से बनाती चली जाऊंगी, बस पूरा स्वेटर हरे कलर से बनाना है। हम ऐसे ऊपर बनाती चली जाऊंगी, बस कुछ नहीं करना है इसमें। लास्ट में जाके बॉर्डर बना लेना। देखिए मैंने बॉर्डर बना लिया है, जितनी लेंथ मुझे रखनी थी उतनी लेंथ मैंने बना ली है इसकी। अब मैं इसे उतार दूंगी यहाँ। देखिए मैंने उतार दिया है। अब इस धागे को कट कर दूंगी और इस धागे को रसिया की मदद से इसमें यहाँ लगा दूंगी, ताकि ये दिखे ना। इसमें अंदर कर दूंगी जितने सभी धागे हैं उनको, सबको ऐसे कर दूंगी। देखिए मैं बाजू सिल दूंगी इसकी। यहाँ तक सिल लूँगी। तो देखिए मैंने बाजू सिल दी है और ये बन के तैयार हो गया। और इसमें बटन लगा दूँगी काले कलर के, आप कोई भी कलर ले सकते हो। और ये मैंने पोलर बियर बनाया था, तो इसकी वीडियो मैंने अपलोड नहीं की है क्योंकि मैं कर नहीं पाई थी। और मैं, आप चाहो तो मैं कर सकती हूँ, बना सकती हूँ इसको। आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय, थैंक यू।